दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए क्या है कैसे करे को और दबाइए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकते हैं वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, नया वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे कि अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करते हैं। जी हाँ, अगर अब तक आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। काफ़ी आसान सा मैं तरीका बताऊंगा जिसके हेल्प से आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको ठीक वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्री में हमारे चैनल में दिए हुए वीडियो को सरलता से देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको इनकम टैक्स का जो साइट है उस पर आपको आपको जाना होगा। ठीक है, तो उस साइट्स का नाम क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इनकम टैक्स इंडिया efiling.government.in। ठीक है, इसका मैं जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट जाकर आप इस साइट्स में पहुँच सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, जैसे ही आप इस साइट्स में पहुंचिएगा देखिएगा कि लेफ्ट साइड में आपको सर्विसेज के ठीक नीचे ही आपको लिंक आधार आपको दिख रहा होगा रेड कलर में। ओके, उस लिंक आधार पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा देखिएगा कि एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। चलिए, पेज ओपन हो गया। अब आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो गाइस, पहला वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मिलेगा आपको पेन, और पेन के ठीक बगल में आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा, उस ब्रैकेट में आपको पेन नंबर आपको देना होगा। उसके ठीक नीचे ही आपको आधार नंबर के ऑप्शन दिख रहा होगा, और उसके ठीक बगल में एक और ब्रैकेट दिख रहा है, उस ब्रैकेट में आपको आधार नंबर देना होगा। और तीसरा नंबर में आपको दिखेगा नेम एज पर आधार, यानी कि आधार कार्ड में जो आपका नाम है वह नाम आपको इस सामने वाला जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में आपको देना होगा। ओके, उसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, अगर आपका बर्थ का डिटेल्स सिर्फ आधार कार्ड में है तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर दें। ठीक है, अगर नहीं है तो यह ऑप्शन को छोड़ दें। ओके, अब देखिएगा कि ठीक नीचे ही आपको कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कैप्चा कोड का जो इमेजेस है आपको दिख रहा होगा, जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको शो कर रहा है उस कैप्चा कोड को आप ठीक नीचे वाला ब्रैकेट में आपको पुट करना होगा, यानी कि डालना होगा। ओके, उसके बाद आपको करना क्या होगा, लिंक आधार पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी में इस फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे यह लिंक हो जाता है आधार कार्ड से। चलिए, फॉर्म फिलअप हो गया है, अब मैं लिंक आधार पर क्लिक करके इसे मैं लिंक कर देता हूँ अपने पैन कार्ड से। तो चलिए, लिंक आधार पर क्लिक कर देते हैं और कुछ देर वेट कर। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आधार पैन लिंकिंग इज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो पैन कार्ड है वह आधार कार्ड से लिंक हो गया है। तो काफ़ी आसान से यह तरीका है और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आप आसानी से सीख गए होंगे कि कैसे आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो गाइस, से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियो हमारे चैनल का देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।